Right. Next heading. Algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation. Their graphical representation. Okay. So two expression, two linear algebraic expression related by less than, greater than, less than equal to, greater than equal to is called linear inequality. Is called linear inequality. So if our two algebraic expression are related by less than, greater than, or less than equal to, or greater than equal to, then we say that this is linear inequality. This is linear inequality. So for example, x plus 3 is less than equal to 2x plus 5. So this is known as linear inequality. This is known as linear inequality. X plus 7 is greater than equal to 3x plus 6. ये क्या कहलाएगा? Linear inequality कहलाएगी. तो how we solve this linear inequality? तो to solve this linear inequality, we follow two rules. देखें this linear inequality all operations can be applied on this linear inequality. Except division or multiplication by negative number. Except division or multiplication of negative number, you can apply any operation on this inequality like equality. जो आप ऑपरेशन इक्वलिटी को लगाते हैं वो ऑपरेशन लीनियर इक्वलिटी को लगेगा. जितने ऑपरेशन इक्वलिटी में लगते हैं उतने ही ऑपरेशन लीनियर इक्वलिटी में लगता है. एक्सेप्ट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव नंबर. अगर आप नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिएगा या फिर डिवाइड करिएगा तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा. साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, एक्सेप्ट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, यू कैन अप्लाई एनी ऑपरेशन इन बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी लाइक इक्वलिटी. इक्वलिटी रिमेंस अनचेंज. बट व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर इन बोथ साइड देन साइन ऑफ इक्वलिटी चेंजेस. Greater become less and less become greater. चलिए देखिए. तो all operations hold. In both side of inequality. All operations hold in operation of inequalities. That is, you can add or subtract or multiply. You can add or subtract equal numbers in both side without affecting this sign of inequality. Inequality sign को बिना change किए हुए आप जो है आप वो साइड इक्वल नंबर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एनी पॉजिटिव नंबर्स. इन बोथ साइड. बट लीनियर इनइक्वालिटी रिमेंस अनचेंज. लीनियर इनइक्वालिटी आपकी क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी. बट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इन बोथ साइड देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा. माने गेट लेस जो है ग्रेटर बदल जाएगा. ग्रेटर क्या होगा? लेस बदल जाएगा. तो देखिए पहला क्या है, फर्स्ट रूल क्या मेरे बताइए. फर्स्ट रूल आपका है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वल नंबर्स इन बोथ साइड. वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वल नंबर इन बोथ साइड विदाउट एनी चेंज इन इनइक्वालिटी. विदाउट एनी चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी. तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट. इक्वल नंबर इन बोथ साइड. इक्वल नंबर इन बोथ साइड.
both sides without altering sign of inequality. Sign of inequality. साइन ऑफ इनक्वालिटी रिमेंस अनचेंज. साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या होगा? अनचेंज रहेगा. ठीक है, तो जैसे एक्स प्लस थ्री है, तो एक्स प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव है ना. अब आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, बोथ साइड हम एक्स माइनस कर देते हैं. बोथ साइड क्या करते हैं, एक्स माइनस करेंगे. तो बोथ साइड में पहले कॉन्स्टेंट टर्म थ्री हटाते हैं, तो कॉन्स्टेंट टर्म थ्री हटाएंगे क्या करेगा, इनक्वालिटी साइन क्या रहेगा, नहीं चेंज होगा. इनक्वालिटी साइन क्या होगा, नहीं चेंज होगा. आप ये नहीं लिखा, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वल नंबर्स इन बोथ साइड विदाउट अल्टरिंग साइन ऑफ इनक्वालिटी. ठीक है, अगर आप इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो इनक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए हम एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री इज लेस देन टू एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री लिख देते हैं. तो क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू है ना. अब क्या करते हैं, बोथ साइड एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं. बोथ साइड क्या करते हैं, एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो सब्ट्रैक्टिंग एक्स इन बोथ साइड, जीरो इज लेस देन टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू है ना. तो क्या होगा, जीरो इज लेस देन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू. ठीक है, अब क्या करते हैं, बोथ साइड जो है हम टू सब्ट्रैक्ट करते हैं. बोथ साइड क्या करते हैं, टू सब्ट्रैक्ट करते हैं. जब टू सब्ट्रैक्ट करिएगा तो जीरो माइनस टू लेस देन एक्स प्लस टू माइनस टू. ठीक है, तो माइनस टू इज लेस देन एक्स प्लस जीरो. ठीक है, तो माइनस टू इज लेस देन एक्स हो जाएगा, लेस देन एक्स. तो दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन. हाउ वी रिप्रेजेंट इट ऑन, हाउ वी रिप्रेजेंट इट ऑन लाइन. ठीक है, तो इसे ग्राफ कर रिप्रेजेंटेशन कैसे करिएगा लीनियर. इसके लिए एक लाइन हम ड्रा करेंगे और बीच में क्या करेंगे, जीरो बना लेंगे. जीरो बना लेंगे राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस पर वन टू ठीक है और थ्री मार्क कर देंगे फोर एंड सो. लेफ्ट साइड में राइट ऑफ जीरो पॉजिटिव नंबर रहता है, लेफ्ट ऑफ जीरो क्या होगा, नेगेटिव नंबर. तो इक्वल डिस्टेंस पर आप इधर माइनस टू लिखिएगा और क्या लिखिएगा, माइनस थ्री लिखिएगा, माइनस वन माइनस टू. ठीक है, माइनस वन यहाँ क्या होगा, माइनस टू. ठीक है, और फिर क्या होगा, माइनस टू ना, फिर माइनस थ्री, फिर क्या होगा, माइनस टू एंड सो. तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होती है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू है ना. एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू किधर लाइक करेगा, राइट साइड में जो नंबर होते हैं ग्रेटर होते हैं, लेफ्ट साइड में जो नंबर होंगे स्मॉलर होंगे. लेफ्ट साइड में नंबर क्या होंगे, मतलब जितना आप लेफ्ट जाएगा स्मॉल नंबर मिलेगा, जितने राइट जाएगा उधर गेट उतना ही ग्रेटर नंबर मिलेगा. तो जैसे एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, जिसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से टू से राइट जाएगी. एक्स एक्स की वैल्यू किधर होगी, मतलब टू माइनस टू के राइट ना. अच्छा यहाँ इक्वल नहीं है, जैसे इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है तो माइनस टू को छोड़ करके, इसका क्या मतलब है, राइट वैल्यू ऑन नंबर लाइन एक्सेप्ट माइनस टू है ना. ठीक है, माइनस टू के राइट जितनी वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो माइनस टू को छोड़कर, जैसे माइनस टू को छोड़कर निकाला है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक एमपीटी सर्किल बनाते हैं. यहाँ एक एमपीटी सर्किल बनाते हैं, एमपीटी सर्किल बना करके राइट डायरेक्शन में क्या करेंगे, लाइन को ठीक कर देंगे. लाइन को क्या करेंगे, ठीक कर देंगे. ठीक कर देंगे, देखिए बता रहे हैं कि आर वैल्यू ऑफ
द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसके राइट कितनी वैल्यू है, माइनस टू के राइट कितनी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए, और जैसे अगर यहाँ इक्वल होता तो इंक्लूडिंग वन भी इंक्लूडिंग वन इसको लेते, तो इंक्लूडिंग केस में यहाँ डार्क सर्किल बनाते, क्या बनाते, डार्क सर्किल, ठीक। ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो एक रूल आपको मिल गया, वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट इक्वल नंबर्स इन बोथ साइड्स विदाउट अल्टरिंग साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। अगर हम बोथ साइड में इक्वल नंबर ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं तो इक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस है तो लेस ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इस टाइप से यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेम नंबर्स, आप जो है बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये नंबर कैसा होना चाहिए, कंडीशन है कि दिस नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, कंडीशन क्या है, ए नंबर पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन मल्टीप्लाई इक्वल नंबर्स, इक्वल पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड, इक्वल पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड ना, वी कैन मल्टीप्लाई सेम नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड, ठीक है। तो सेम पॉजिटिव नंबर बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर इक्वालिटी साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो रूट टू क्या हो जाएगा, रूट टू, रूट टू आ जाएगा। आर मल्टीप्लाइंग बाय सेम नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड, आर मल्टीप्लाइंग, आर मल्टीप्लाइंग पॉजिटिव नंबर, आर मल्टीप्लाइंग बाय बाय पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाइंग बाय पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड, आर मल्टीप्लाइंग बाय पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड, साइन ऑफ इक्वालिटी रिमेंस अनचेंज, साइन ऑफ इक्वालिटी रिमेंस अनचेंज, साइन ऑफ इक्वालिटी जैसे 3x plus 5 is greater than equal to x plus 2 मानते हैं, इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो कांस्टेंट हटाएंगे ना, ठीक है, और एक साइड में s रखेंगे और और कांस्टेंट है दूसरी तरफ रखेंगे। तो पहले 5 हटाते हैं, पहले क्या करते हैं 5 हटाते हैं, तो 2 5 हटाने के लिए क्या करेंगे, इसे प्लस है तो बोथ साइड क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। तो सबट्रैक्टिंग 5 इन बोथ साइड, सबट्रैक्टिंग 5 इन बोथ साइड, तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेगा, ये लिखेगा आपका 3x + 5 - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 2 - 5, है ना। तो लिखेगा 3x और प्लस जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब एक्स को हटा दें, क्या करते हैं एक्स को हटाते हैं, क्या करेंगे एक्स को हटाएंगे, इनइक्वालिटी आपकी ऐसे बनी रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा 2x
क्या रहेगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या देंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1.5 हो जाएगा, माइनस 1.5। अब यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप दो दो से बहुत सेट किया, डिवाइड किया, दो से बहुत सेट किया, डिवाइड किया, और तो इस इनक्वालिटी के साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी था भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1.5। अब इसको नंबर लाइन पर हम मिला कर देते हैं, ये चीज हमारा क्या हुआ, तो जीरो है, यहाँ पर हुआ माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये आपका माइनस थ्री, ठीक। ये वन हो गया, टू हो गया, ये थ्री हो गया। तो देखिए वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बताओ माइनस 1.5 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये इंक्लूडिंग विद माइनस 1.5 है, तो हम यहाँ से लेकर पहले चलेंगे माइनस 1.5 से लेकर चलेंगे, माइनस 1.5 से लेकर चलेंगे इंटरसेक्शन में, ये आपस में ये क्या हो गया, ठीक। ये थ्री लाइन क्या बता रहे हैं, वैल्यू ऑफ एक्स कोई छोड़ दें गिवन इक्वेशन गिवन इनक्वालिटी नीड इनक्वालिटी, अच्छा रूल थर्ड है, रूल थर्ड आर मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव नंबर्स, बाय नेगेटिव आर मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर, सेम नेगेटिव नंबर इन बोथ साइड, ठीक है। साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आर मल्टीप्लाइंग आर मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय सेम नेगेटिव बाय सेम नेगेटिव इंटीजर बाय सेम नेगेटिव नंबर है, मे बी इंटीजर मे बी फ्रैक्शन, बाय सेम नेगेटिव नंबर्स, बाय सेम नेगेटिव नंबर इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, ठीक है। साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। तो इनक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माने ग्रेटर आपको लेस में चला जाएगा, लेस में ग्रेटर चला जाएगा। तो जैसे आपका 3x और प्लस माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, चलिए लेस देन ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू सपोज x x माइनस 6, इतना x माइनस 6 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे बताइए, पहले हम 2 हटाएंगे है ना, तो 2 हटाने के लिए पॉजिटिव 2 है तो बोथ साइड नेगेटिव 2 करना पड़ेगा ना, तो सबट्रैक्टिंग नेगेटिव 2 इन बोथ साइड, सबट्रैक्टिंग नेगेटिव 2 इन बोथ साइड, क्या मिलेगा 3x प्लस 2 माइनस 2, तो व्हेन यू सबट्रैक्ट माइनस 2 इन बोथ साइड देन साइन ऑफ इनक्वालिटी रिमेंस अनचेंज, साइन ऑफ इनक्वालिटी रिमेंस अनचेंज ना, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वल नंबर्स इन बोथ साइड्स साइन ऑफ इनक्वालिटी रिमेंस अनचेंज, ठीक है। तो ये जैसे साइन था इनक्वालिटी साइन जैसे था वैसे बनी रहेगी, तो 3x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, x माइनस 8 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, x को बोथ साइड सबट्रैक्ट करते हैं, तो सबट्रैक्टिंग x इन बोथ साइड, तो माइनस 3x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 6 लेस देन माइनस 8 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x लेस देन इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस 4 हमको हटाना पड़ेगा, माइनस 4 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो माइनस 4 कैसे हटेगा, अगर माइनस 4 से बोथ साइड हम डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा ना, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, क्या है, नेगेटिव नंबर, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर आर डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर इन बोथ साइड ऑफ इनक्वालिटी देन साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 4x, ठीक है, अपॉन माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 4 ना,
तो -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ना, ठीक है। अब लेस का साइन किससे बदल गया, ग्रेटर में बदल गया, तो एक चीज लिखा हमने आर मल्टीप्लाइंग सेम नेगेटिव नंबर इन बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग, यहां डिवाइडिंग लिख लीजिए, मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग, आर डिवाइडिंग मल्टीप्लाई भी करिए चाहे डिवाइड करिए ना, दोनों केस में क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ साइन चेंज हो जाएगी, यहां पर डिवाइडिंग के लिए आर मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग, आर डिवाइडिंग डिवाइडिंग इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, बाय सेम नेगेटिव नंबर, बाय सेम नेगेटिव नंबर, बाय सेम नेगेटिव नंबर, ठीक है। अच्छा लेटर तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई नंबर आर मल्टीप्लाई आर डिवाइडिंग बाय सेम नेगेटिव नंबर, बाय सेम नेगेटिव नंबर इन बोथ साइड, साइन ऑफ इक्वलिटी चेंजेस, तो जैसे -4 से यहां डिवाइड किया हमने बोथ साइड, तो लेस आपका किस में बदल गया, ग्रेटर में बदल गया, बन गया, हां।